और इससे आपको तकलीफ है और तकलीफ व्यक्त भी हो रही है। हर एक की तकलीफ व्यक्त करने के रास्ते अलग होंगे, हमारा रास्ता है सकारात्मक। कभी कभी अब ये सदन है, एक प्रकार से राज्यों का महात्मा है, हम पर ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि हम राज्यों को परेशान करते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं लंबे अरसे तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया हूं, फेडरलिज्म का क्या महत्व होता है वो भली भांति समझता है, उसको जी करके आया हूं। और इसलिए हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर बल दिया है। आओ हम पर्दा करें, हम आगे बढ़े, हम सहयोग करें, हम आगे बढ़े, उस दिशा में हम चले हैं। हमने हमारी नीतियों में नेशनल प्रोग्रेस का भी ध्यान रखा है और रीजनल एस्पिरेशन को भी एड्रेस किया है। नेशनल प्रोग्रेस एंड रीजनल एस्पिरेशन, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी नीतियों में दिखा है, क्योंकि हम सब मिलकर के 2047 तक एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए चल पड़े हैं। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने तो राज्यों की अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। जरा मैं कच्चा चिट्ठा आज खोलना चाहता हूं,